नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और सभी दर्शकों को आज शुभ रामनवमी। नमस्कार, मैं आपके साथ लक्ष्मी। और शुरुआत करते हैं, देश भर में आज रामनवमी की धूम है। अयोध्या में इस बार रामनवमी पर विशेष तैयारी की जा रही है। रामनवमी के पावन अवसर पर रामलला के भव्य मंदिर में जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार रामलला के अभिषेक की तैयारियां जोर शोर से की गई है। आज दोपहर 12 बजे भगवान राम का सूर्य की किरणों से तिलक होगा और इस पल को देखने के लिए लाखों की संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच चुके हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या को सजाया गया है, साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। तो रामनवमी पर अयोध्या की अनोखी झलक देखने को मिलेगी। रामनगरी में राम जन्मोत्सव को लेकर के जश्न मनाया जा रहा है। भव्य मंदिर में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, इसके लिए साज सजावट की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। और दर्शक, आपको बता दें, आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, और आपको ये बताते चलें, आज श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिरों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, ये पहला मौका है जब राम लला के भव्य दिव्य राम मंदिर के अंदर जन्म ये तैयारी जो है वो की गई है। रामनवमी के पहले रामलला का सूर्य तिलक को लेकर अयोध्या के मुख्य पुजारी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। हुआ तब ये घड़ी आई कि राम मंदिर इतना भव्य दिव्य बना, लेकिन रामनवमी और खास है क्योंकि सालों इंतजार किया, तब टाट से उठकर ठाट से रामलला बैठे और सत्येंद्र दास जी जो उस वक्त से सेवा कर रहे हैं जब वो टेंट में बैठे हुए थे, मुख्य पुजारी हैं रामलला के मंदिर के। महाराज जी, सबसे पहला सवाल तो यही, कितने खुश हैं? आपने तो हर दिन देख लिया, हर रामनवमी देखी, लेकिन ये पहली रामनवमी भव्य दिव्य, लाखों श्रद्धालु। पहली रामनवमी मनाए हुए विवादित ढांचा में, और 28 वर्ष नवमी मनाया हमने रामलला को त्रिपाल में। 3 साल हो गया रामलला अस्थाई मंदिर में। 28 रामनवमी त्रिपाल में मनाई? जी हाँ, 28 रामनवमी त्रिपाल में, एक रामनवमी विवादित ढांचा में जो राम जन्मभूमि, और 3 राम रामनवमी हो गया ये अस्थाई मंदिर में। ये चौथी यह रामनवमी जो भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है,
और इनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा लेकिन है। भव्य दिव्य की पहली है जी, भव्य दिव्य बहुत सुंदर और बहुत दूसरे ढंग से है, समझो कि एक प्रकार से यह भव्यता दिव्यता जो अपने आप में अलौकिक होगी। अलौकिक इसलिए होगी कि जिस समय भगवान राम का अवतार हुआ था उस सूर्य दोपहर में, तो सूर्य जो है वो एक महीने तक यहाँ से नहीं गए थे। मास दिवस का दिवस भा मर्म न जाने कोई कोई इसको जान नहीं पाया कि आखिर सूर्य रामचंद्रमास की चौपाई है। जी हाँ, कि ऐसा क्यों हो रहा है कि सूर्य ही नहीं डूब रहे हैं, सूर्य जैसे है। और इस वर्ष का वैज्ञानिकों ने विशेषकर ट्रस्ट ने ये सोचा है कि भगवान राम की जन्म समय में जब 12 बजे जन्म होगा तो उनके लीलार पर जो टीका दिखाई दे वह सूर्य के किरण किरण। आपने तो देखा भी ना अभी जब रिहर्सल हुआ था, कैसा लगा, कितना खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। मालूम पड़ा कि साक्षात राम, हाँ मालूम पड़ा कि भगवान उसी यहाँ सूर्य नारायण स्वयं आ करके इनके मस्तिष्क से बैठ करके और उदय हो रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। और उसी प्रकार से सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के साथ साथ, और पहले तो कलश स्थापन होकर पूजा हो रही है। अच्छा, रामनवमी का ही कार्यक्रम बता दीजिए 17 तारीख का, क्या क्या कार्यक्रम है, कितने बजे से होगा और आप कितने बजे मंदिर जाएंगे? देखिए रामनवमी के दिन 3 बजे मंदिर खुलेगा, सुबह 3 बजे। हाँ 3 बजे खुलेगा और पहले अभिषेक होगा। अच्छा, रामलला का, हाँ चारों भाई वो हैं और रामलला ही हैं, इनके सब मूर्ति दोनों का अभिषेक अभिषेक होगा। अभिषेक होना होगा तो 5 बजे सिंगार आरती होगी, तो सिंगार आरती होने के बाद तो मंदिर खुलेगा और मंदिर खुलने के बाद सबका दर्शन शुरू होगा। इसके बाद दर्शन होता रहेगा, फिर जब 12 बजेगा 12 बजे के पहले ही वह दृश्य दिखाई देगा जो कि उस दौरान दर्शन रोक दिए जाएंगे थोड़ी देर के लिए ना। दर्शन जो है कल लगभग 15-20 मिनट तक रुके रहेंगे जब तक वो पूरी जो है प्रक्रिया रहेगी। जी हाँ, तो उतने देर दर्शन रोक दिया जाएगा, उसके बाद फिर दर्शन होता रहेगा और दर्शन चलेगा 12 बजे रात तक। 12 बजे रात में जो है अंतिम आरती जो होती है वो शयन आरती होगी, इसके बाद मंदिर बंद होकर भगवान को शयन कराइएगा। इस प्रकार की प्रक्रिया है और उसमें कई प्रकार की, जैसे 4 प्रकार की पंजीरी है, पंचामृत है और उसके बाद में फल है, मिष्ठान है, सब ये सारी व्यवस्थाएं हैं जो भगवान को भोग लगेंगे और 56 प्रकार के भोग लगेगा और सब भोग लगा करके भगवान राम के समर्पित पहले किया जाएगा। सतीन दास जी, जिन्होंने आपको साल दर साल बताया कि एक साल उस विवादित ढांचे में, 28 साल टेंट में, 4 साल जो है अस्थाई मंदिर में, और ये आया सुनहरा साल जब भव्य दिव्य मंदिर में राम लला के दर्शन आपको राम नवमी पर होंगे। कैमरा पर्सन पंकज के साथ सपना शुक्ला, न्यूज़ 18। तो अयोध्या में भगवान राम लला के जन्मोत्सव को लेकर राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भव्य मंदिर में दिव्य राम नवमी मनाए जाने को लेकर जानकारी दी है। राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली रामनवमी है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने रामनवमी की तैयारी को लेकर क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। मेले की भीड़ के कारण हमारा यात्रियों से ये निवेदन है कि जूता चप्पल मोबाइल सामान अपने गुरु स्थान पर, जहां वो ठहरे हैं धर्मशाला होटल में, जितना दूर रखकर आएंगे दर्शन उतनी सुविधा से कम समय में दर्शन पूरा हो जाए। तो इस बार अयोध्या में रामनवमी को लेकर भव्य तैयारी और तस्वीरें भी हम आपको वहां के दिखा रहे हैं, जैसा कि अभी आप मुख्य पुजारी से सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि 3 बजे सुबह ही मंदिर को खोला गया और सबसे पहले श्रृंगार आरती भगवान राम की गई और उसके बाद जो सूर्य से तिलक किया जाना है वो आज होगा, वो पूरी प्रक्रिया आज आपको देखने को मिलेगी। 12 बजे का वो वक्त बताया जा रहा है जब आप वो तस्वीर देख पाएंगे
और फिलहाल जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं ये भगवान राम के दिव्य दर्शन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप सीधे करिए। और सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पटना में भी महावीर मंदिर में जमकर तैयारी चल रही है। क्या कुछ तस्वीरें अभी निकलकर सामने आ रही हैं वो हम आपको सीधी तस्वीर दिखाते हैं। संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ महावीर मंदिर से लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आनंद, अयोध्या की तस्वीर हमने दर्शकों को दिखाई जहां भगवान राम की दिव्य आरती की गई, लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं, महावीर मंदिर में क्या कुछ तैयारी है? देखिए बिल्कुल, हम आपको सीधी तस्वीर ही दिखा रहे हैं, पटना का हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और यहाँ पे राम भक्त सुबह 2:30 बजे से लाइन लगाकर दर्शन करने के लिए खड़े हैं। और आप समझ सकती हैं आज का दिन राम भक्तों के लिए कितना उत्साह वाला दिन है। और आज सुबह से कल से ही पूरा माहौल भक्तिमय था और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। वैसे भक्त जो किसी कारण से आज पटना का हनुमान मंदिर नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए न्यूज 18 विशेष व्यवस्था करी ताकि वो घर बैठे ही भगवान राम के परम भक्त हनुमान के मंदिर का दर्शन कर सके। और इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पटना के हनुमान मंदिर की तस्वीर जो पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है। और हम एक और तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे बड़ी संख्या में जो भक्त है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सुबह से लाइन लगी हुई है, सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। और आज हनुमान मंदिर का जो कार्यक्रम है वो भी हम आपको बता दें कि लगभग 3 किलोमीटर तक ये लाइन लंबी लाइन लगी हुई है। हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब सुबह से जो यहाँ पे लाइन लगे हुए भक्त उनकी तस्वीर आगे आगे से यहाँ से दिखाइए ऐसे। और यहाँ पे एक और भी कार्यक्रम है लगभग 10 बजे के आसपास, यहाँ पे मुख्य ध्वजा जो है वहाँ उसकी पूजा होगी। इस वक्त आप तस्वीर देखिए, यहाँ पे एक पूरा कारवां बन गया है, लंबी लाइनें लगी हुई है। हर भक्त की इच्छा है कि जल्द से जल्द वो मंदिर में पहुंचे और दर्शन करे। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि हनुमान मंदिर का जो कार्यक्रम है लगभग 10 बजे मुख्य ध्वजा का पूजन होगा, ये बेहद महत्वपूर्ण होता है। और 12 बजे भगवान राम की जन की आरती होगी। तो ये कुछ कार्यक्रम है भगवान। बिल्कुल आनंद, देखिए आम दिनों के मुकाबले अगर आज की बात करें तो आज रामनवमी है और ऐसे में आज श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर ज्यादा देखी जा रही होगी, तो ऐसे में क्या कुछ विशेष है आज के दिन श्रद्धालुओं के लिए? देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि पटना के हनुमान मंदिर में जो कार्यक्रम है वो 10 बजे, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को बता दें कि 10 बजे से मुख्य ध्वजा की पूजा होगी, उसके बाद 12 बजे भगवान राम की जन्म आरती होगी। और अयोध्या से 8 पुजारी पहुंचे हैं आज हनुमान मंदिर में, तो आप समझ सकते हैं आज पटना के हनुमान मंदिर की कितना भव्य आयोजन होने वाला है। इसके अलावा नैवेद्यम के 14 काउंटर खोले गए हैं, यानी कि जो भी भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे दर्शन करेंगे वो नैवेद्यम के लड्डू भी लें। मेडिकल कैंप भी लगाया गया है कि कोई तरह की अगर समस्या होती है कि नहीं तो उन्हें तुरंत इलाज किया जाए। तो ये तस्वीर है। और हनुमान मंदिर में ऐसे भी मंगल और शनिवार को जबरदस्त भीड़ होती है, यहाँ पे तो आए दिन भीड़ होती है लेकिन आज की बात ही कुछ और है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग 2:30 बजे से ही बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम लगातार आपको श्रद्धालुओं की तस्वीर दिखा रहे हैं और जो भी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं दर्शन करने के बाद वो वापस अपने घर की ओर निकल रहे हैं। ठीक हनुमान मंदिर के एक मुख्य दरवाजे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे भक्त अपने लाइन का इंतजार कर रहे हैं और बेहद अद्भुत सा एहसास हनुमान मंदिर। बिल्कुल जैसे भक्त आनंद जब भी भीड़ को देखते हैं तो ऐसे में एक ख्याल सुरक्षा की भी आती है, तो आज के दिन पुलिस कितना चौकस है और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, अगर इसकी कुछ तस्वीरें आप दिखा पाते तो दर्शकों को? बिल्कुल, देखिए पुलिस के जवान आपको नजर आ रहे होंगे, लगातार पुलिस के जवान यहाँ पे मुस्तैदी से लगे हुए हैं और कहीं से कोई समस्या ना हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ट्रैफिक के हो या फिर बिहार पुलिस के जवान हो, सुरक्षा विभाग के भी जो लोग हैं वो भी यहाँ पे लगे हुए हैं, जरा भी कोताही नहीं बरती जा रही है, सीसीटीवी से नजर रखा जा रहा है, चारों तरफ सुरक्षा के कड़े प्रबंध है। पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात हैं और आज जब शाम का वक्त होगा तब झांकियां निकाली जाती हैं और पूरे पटना से डाकबंगला चौराहे के पास से झांकी निकाल के पहुंचेगा और वहां से फिर हनुमान मंदिर होते हुए फिर अपने घर की ओर निकलेंगे। तो आज दिन भर काफी व्यस्त कार्यक्रम है पटना का और पटना में आपको शाम में पैदल चलने की भी स्थिति नहीं रह जाती है जो परिस्थितियां दिखती हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पटना का हनुमान मंदिर आज पूरी तरीके से सज धज कर तैयार है और भक्त भी पूरे उत्साहित हैं, भगवान श्री राम के जयकारे के नारे लगा रहे हैं और हनुमान मंदिर आकर दर्शन कर रहे हैं। और एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं कि 4 बजे के बाद से डाकबंगला चौराहे के पास झांकियां निकलनी शुरू हो जाएंगी जो देर शाम तक चलेंगी।
और जहां पे आज मुख्यमंत्री सहित जो कई बड़े नेता हैं वो भी यहां पर पहुंचेंगे। डाक बंगला चौराहे के पास विशेष व्यवस्था की गई है। तो ये हर साल यहां पे आयोजन होता है। इस बार चूंकि अयोध्या में श्री राम का मंदिर बना है, भव्य मंदिर बना है और रामलला विराजे हैं, उसके बाद ये पहला ऐसा रामनवमी है जिसको लेकर और भी आप समझिए भक्तों का उत्साह कितने चरम पर होगा। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लगातार भक्तों का आना भी शुरू, जाना भी शुरू। सुबह 2-2:30 बजे से लगातार भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। तो बेहद अद्भुत सा ऐसा लगातार राम धुन बज रहा है यहाँ पे पटना के हनुमान मंदिर पे और भक्त भगवान के दर्शन करके बिल्कुल आनंद। और यहाँ का जो प्रसाद है नैवेद्यम प्रसाद, ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, न केवल बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी लोग जानते हैं और प्रसाद को खाते भी हैं। तो इसकी क्या खासियत है, एक बार दर्शकों को बताएं। देखिए नैवेद्यम एक खास तरीके से बनाया जाता है और पटना के हनुमान मंदिर की सबसे बड़ी खासियत नैवेद्यम लड्डू की ही होती है। शुद्ध घी में बनाया जाता है और विशेष कारीगर इसके होते हैं, बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में बनाया जाता है। और जो भी भक्त यहाँ, सिर्फ बिहार के ही भक्त नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्से से भी आते हैं, तो यहाँ का नैवेद्यम लड्डू लेना नहीं भूलते। और आज नैवेद्यम का जबरदस्त डिमांड होगा आज नैवेद्यम लड्डू का, इसलिए इसके लिए 14 काउंटर बनाए गए हैं ताकि जो भी भक्त यहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए आसानी से प्रसाद उपलब्ध हो, इसकी विशेष व्यवस्था आज हनुमान मंदिर के तरफ से किया गया है। तो ये देखिए हम आपको एक तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कई दर्शकों कई भक्तों के हाथ में आप लड्डू भी देख सकते हैं। जैसे एक युवक है जो दर्शन करने के बाद अपने हाथों में लड्डू लेकर जा रहा है, तो हर भक्त के हाथ में लाल लाल झोले में आप देख सकती हैं कि जो भी भक्त वहां पे दर्शन करके निकल रहे हैं उनके हाथों में लाल झोला, यानी समझिए कि उन्होंने नैवेद्यम लड्डू लिया है प्रसाद के रूप में और अपने घर की। नैवेद्यम लड्डू का बेहद खास महत्व है, आप शुद्ध घी का बना हुआ प्रसाद नैवेद्यम जिसके बड़े बड़े दाने होते हैं, जब आप खाएंगे तो आपको एहसास होगा कि एक अद्भुत ये प्रसाद है। और ये पटना के हनुमान मंदिर में ही विशेष तौर पे बनाया जाता है, जो कारीगर होते हैं उन्हें विशेष तरीके से बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब आप मंदिर में दर्शन करने आएंगे, बजरंगबली के मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रसाद के रूप में जब आप नैवेद्यम लेकर ग्रहण करेंगे, तब आपको एहसास होगा कि मैंने आज एक अद्भुत सा प्रसाद ग्रहण किया। तो बेहद दिलचस्प तस्वीर रामनवमी के मौके पर पटना के सड़कों पर और खासकर हनुमान मंदिर के पास। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को हनुमान मंदिर की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पटना के हनुमान मंदिर की तस्वीर देखिए जी। और बिल्कुल आनंद, वो तस्वीरें हम लगातार और भी दर्शकों को दिखाते रहेंगे आज किस तरीके से भव्य पूजा हनुमान मंदिर में की जानी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और यहाँ रुक रहे बस एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको रामनवमी की भव्य तस्वीरें दिखाएंगे।